अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक बार फिर पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल सकता है। सदन में राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन आमने सामने होगा। ये एक ऐसा मौका होगा जिसमें 2019 के चुनाव से पहले विपक्ष में एकता देखने को मिलेगी। अविश्वास प्रस्ताव की जंग तो बीजेपी ने बड़े धमाकेदार अंदाज से जीत ली थी, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति की लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी। एनडीए के जेडीयू सांसद हरिवंश को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, जिसे लेकर एनडीए में रार शुरू हो गई है। हरिवंश को उम्मीदवार बनाए जाने से एनडीए की दो सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियां अकाली दल और शिवसेना नाराज हो गई है। इससे पहले एसएजी के नरेश गुजराल के नाम की चर्चा भी थी, लेकिन एन मौके पर जेडीयू के हरिवंश के नाम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी ने इसके लिए अकाली दल और शिवसेना से चर्चा भी नहीं की। बीजेपी के इस फैसले से अकाली दल नाराज हो गया है, तो वही शिवसेना भी इस बात से नाराज है कि जब नरेश गुजराल का नाम लगभग तय हो चुका था तो बिना चर्चा के इसमें बदलाव क्यों किया गया। 9 अगस्त को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होना है, ऐसे में अकाली दल सदन से गैर हाजिर रह सकता है। हालांकि अमित शाह ने अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो उन्हें मना पाए या नहीं ये कहना मुश्किल है। दरअसल राज्यसभा में अकाली दल के 3 सांसद हैं, वहीं एनडीए के पास बहुमत नहीं है। अगर अकाली दल चुनाव के दौरान सदन से बाहर रहने का फैसला लेता है तो एनडीए की मुश्किल बढ़ सकती है।